साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज हम बात करेंगे नवनीत राणा की। जी हाँ, कई दिनों से नवनीत राणा जब जेल में बंद थी, जेल में बंद होने के बाद अब नवनीत राणा अस्पताल गई और अस्पताल से अब उन्हें छुट्टी मिल गई है। जी हाँ, आज यानी 8 मई को नवनीत राणा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वो वापस आ गई है। लेकिन आते ही जो उन्होंने एक्शन लिया है वो देखने वाला था। दरअसल हर कोई यही सोच रहा था कि जिस तरह से कोर्ट ने नवनीत राणा को शर्तों पर रिहा किया है, कुछ शर्त है जो उन्हें माननी पड़ी और उन्हें रिहाई मिली है जिन शर्तों पर, उन शर्तों के बाद भी नवनीत राणा ने जिस तरह का एक्शन लिया है वो देखने वाला था। लेकिन आपको खास बात बता दें कि नवनीत राणा जब अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो उनके हाथ में हनुमान चालीसा थी। जी हाँ, और डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें तोहफे में एक हनुमान जी की मूर्ति भी मिली। जी हाँ, लगातार नवनीत राणा के समर्थक जो है वो सामने देखने को मिल रहे हैं और उसी के बाद जो समर्थक उन्हें वो दे रहे हैं एक इस तरह की मूर्ति गिफ्ट कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि किस तरह का एक्शन जो है वो नवनीत राणा ले। और नवनीत राणा के एक्शन के बाद देखने वाली बात होगी जब उद्धव ठाकरे पर वो हल्ला बोल रही है तो वहां से क्या रिवर्ट आता है। और अब ये भी देखने को मिला कि नवनीत राणा किसी से डरती नहीं है क्योंकि कोर्ट की शर्तों के बाद भी नवनीत राणा इस तरह के एक्शन लेने के लिए तैयार है। और वही उनके पति ने भी आज सुबह इस तरह का बयान दिया था कि हम डरते नहीं है, हम लड़ेंगे, हम जरूर बोलेंगे जो हमारे साथ हुआ है। अभी इसी बीच नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की देखने वाली बात होगी कि वो किस तरह का एक्शन अब लेने वाले हैं और अब क्या करने वाले हैं। क्या वो हनुमान चालीसा फिर से पढ़ेंगे या वो घर के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठकर फिर से आके उस तरह का हंगामा करने वाले हैं। लेकिन कुछ भी कहो, नवनीत राणा के समर्थक हर वक्त हर मुश्किल में उन्हीं के साथ हैं और उनका सपोर्ट भी करते हैं। अब नवनीत राणा और रवि राणा अस्पताल से तो आ चुके हैं लेकिन अब अगला दिन देखने वाला होगा कि क्या अब वो करने वाले हैं। तो ऐसे और अपडेट्स हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव।